पर बाहर जाने का कह दिया गया। खातून रुकन असेंबली की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो उन्होंने कवायद में तब्दीली के लिए मुहिम चलाने का आजम जाहिर कर दिया। क्वेटा से आसिम खान की रिपोर्ट। पेशावराना फराइज और बच्चों की देखभाल एक साथ करने वाली खवातीन को मुश्किलात का सामना रहता है। ऐसा ही हुआ बलूचिस्तान असेंबली की खातून रुकन महजबीन शीरान के साथ, जो अपने शिरख्वार बच्चे को असेंबली इजलास में हमरा लाई तो शिरकत की इजाज़त न मिल सकी। साथ ही उन्हें अरकान असेंबली के ताने भी सुनना पड़े। वर्किंग वुमेन के लिए उसका जो है काम पे फोकस होने के लिए मैं समझती हूँ उसके लिए उसका बच्चा साथ ज़रूरी है कि हो। मुझे काफ़ी बातें भी उसी टाइम सुननी पड़ी। हमारे जो मुअज़्ज़िज़ अराकीन हैं, हमारे जो मर्द हज़रात थे। खातून सेक्रेटरी बराए तरक्की नस्वा सायरा अता कहती हैं कि जाए मुलाजमत पर डे केयर सेंटर बन जाए तो खवातीन बेहतर अंदाज में जिम्मेदारियां निभा सकती हैं। बीइंग द सेक्रेटरी वुमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, आई थिंक इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि हम हर इंस्टीट्यूट में, चाहे वो प्राइवेट है या जो है वो पब्लिक है, वहाँ पे डे केयर सेंटर्स का होना बहुत लाजमी है। महजबीन शीरान का कहना है कि वो दीगर खवातीन मेंबरान के साथ मिलकर बलूचिस्तान असम्बली में बच्चों को इजलास में ना लाने से मुतालिक कवानीन की तब्दीली के लिए मुहिम चलाएंगी। कैमरामैन अब्दुल वहीद के साथ आसिम खान, समा, क्वेटा। रावलपिंडी में